आप लोग तो सच को, झूठ को सच साबित करने में लगे हैं। असली सच क्या, असली बात क्या है, उसको सवाल जब उठाया जाता है। झूठ सच साबित कर रहे हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पर आप मुझे पूछें, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि SIT ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। क्या ये वाकई में क्लीन चिट दिया है? SIT ने कहा क्या है? किसी ने SIT का रिपोर्ट पढ़ा है? पढ़ा है। SIT ने कहा क्या है? क्या टिप्पणियां की हैं मुख्यमंत्री के भूमिका पर? एक बहुत सीमित कानूनी नजरिए से उन्होंने कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है। आप कृपया, मैंने आपको कभी ठोका नहीं। SIT की टिप्पणियां सोहराबुद्दीन पर बात करें, सोहराबुद्दीन पे भी बात करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सुनिए, मैं सीमित कानूनी नजरिए से SIT ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो SIT ने ये कहा। और इसके अलावा SIT ने बहुत कुछ और टिप्पणियां की हैं। और न्यायालय प्रेमी जो एमिकस क्यूरे होता है उसका रिपोर्ट नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है मुख्यमंत्री की भूमिका पर, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। तो देखिए, ये सब हमने सवाल उठाया आपसे, आप जवाब देंगे। आपने सवाल उठाया हमसे, हम जवाब देंगे। मैं अभी जवाब देता हूँ। मैं चुनाव प्रचार में जाना नहीं चाहता, मैं पूरे ऑडियंस को अभी जवाब देता हूँ। एमिकस क्यूरी की टिप्पणियों को कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SIT खुद निर्णय करे। SIT ने एमिकस क्यूरी की टिप्पणियों को ध्यान में लेने के बाद कहा है श्री मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता। इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, कोर्ट ने भी कह दिया कि SIT का फैसला ठीक है, मोदी पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। अब आप इसको अगर क्लीन चिट नहीं मानते, SIT के शब्द मैं जानता था, आप तैयारी कर, आप SIT का उठाएं। SIT के क्या शब्द हैं अमित जी? SIT ने कहा, SIT has held, while there is evidence and many of the allegations made in the Zakia Jafri complaint are true and correct in its own assessment, this evidence is not prosecutable. It is not prosecutable. नहीं नहीं। Therefore, the SIT holds him responsible for unlawful acts and acting with a criminal mindset, even if they conclude that the material is not prosecutable. नहीं नहीं, ये जो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, नहीं, ये बात नहीं, नहीं है। मैं जरा भी सुन लीजिए जयराम जी, SIT ने और एमिकस क्यूरे का रिपोर्ट एविडेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। सब लोग जानते हैं एमिकस क्यूरे को, और आप एमिकस क्यूरे को कह रहे हैं कि हम उस रिपोर्ट को नजरअंदाज करेंगे। एमिकस क्यूरे को नियुक्त हमने नहीं किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था, न्यायालय ने किया था। वो न्यायालय प्रेमी है, वो कांग्रेस एमिकस क्यूरे नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के एमिकस का जवाब भी। अब आप मुझे सुनेंगे? SIT ने जिस एविडेंस की बात की है वो एप्लीकेंट के, मतलब जो फरियाद जिन्होंने दी है, जाफरी के स्टेटमेंट की बात करी। इसके अलावा एक भी एविडेंस नहीं है। लीगल टर्मिनोलॉजी में स्टेटमेंट एविडेंस होता है सिर्फ जाफरी के। मगर SIT ने साथ में भी कहा है, ये भी कहा है कि प्रोसिक्यूट करने लायक कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ जाफरी केस में। हाँ, सिर्फ जाफरी केस नहीं, जाफरी केस नहीं। जाफरी की कंप्लेंट को आपने पढ़ा ही नहीं। जाफरी ने यह आरोप लगाया है एक केस के लिए नहीं कहा है। उन्होंने 8 केस जिसमें बड़े हादसे हुए थे वो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, इस तरह का आरोप लगाया था। और उसमें स्टेट मशीनरी के 60 बड़े बड़े अफसर और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सब लोग इन्वॉल्व है, इस तरह का आरोप लगाया था। एक माने में पूरा जांच आयोग की जांच हो, इस तरह से इसको जांचा गया। SIT बनाने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। SIT को अपॉइंट करके उसके कार्यक्षेत्र को तय करने में गुजरात सरकार का कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार का SIT में कोई दखल नहीं है। SIT का रिपोर्ट एक सील कवर में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, जिसमें SIT कहती है कि हमारे पास कोई प्रोसिक्यूट कर सके इस तरह के एविडेंस नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होने के बाद कहती है कि कायदे के हिसाब से आप इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर करिए।
और स्वतंत्रता है कि वो इसको चैलेंज कर सके। स्वतंत्रता है, उन्होंने चैलेंज भी किया और चैलेंज करने के बाद अब लोअर कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया कि मोदी के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने योग्य एक भी एविडेंस नहीं है। इसके बाद में भी कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। लोअर कोर्ट कहाँ है? लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। लोअर कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक, बस जयराम जी, सवाल का जवाब मिल गया। जयराम जी, आप केंद्र सरकार के मंत्री हैं, आपको मालूम है? नहीं है? नहीं नहीं, आप सुनिए तो, आपको मालूम नहीं है इस देश का लीगल स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में चलता है, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हाईकोर्ट चलती है, हाईकोर्ट के तत्वाधान में लोअर कोर्ट चलते हैं। कोर्ट के कामकाज में ना आपकी ना मेरी किसी भी सरकार की कोई दखल नहीं हो सकती। तो आप बातों को घुमा फिराकर गुमराह मत करिए। इससे गपले का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा, इसके मुद्रास्फीति का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा, इससे डॉलर और रुपये का रिश्ता नहीं टाला जा सकेगा, इससे नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का प्रश्न नहीं टाला जा सकेगा। प्लीज मुद्दों पे आ जाइए, जनता हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों से काफी आगे निकल चुकी है। आज भी आप वो मुद्दे को लेकर चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं। अमित भाई, असली एजेंडा तो आपका वही है। अमित भाई, असली एजेंडा तो आपका वही है। अच्छा, अब ये तो जीडीपी, ब्लैक मनी, मुद्रास्फीति, ये तो एक मुखौटा है आप लोगों का। सबसे ज्यादा जनादेश परफॉर्मेंस के आधार पर किसी एक पार्टी की सरकारों को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मिला है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों को नहीं मिला है। और वो सब जगह पे, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, गोवा हो, हमें विधानसभा की, वहाँ हमारी ही पार्टी काम कर रही है भैया। 2003 में भी यही नतीजा निकला था। 2003 में हम मिजोरम भी हार गए थे। अमित शाह, मिजोरम भी हार गए थे हम 2003 में। इंडिया शाइनिंग था और 2004 में सरकार किसकी बनी सब लोग जानते हैं। एक तरफ कानून है, कोर्ट कचहरी है अमित शाह साहब, दूसरी तरफ मानवता है। और मानवता को आधार बना के मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और वो ये कि दंगा पीड़ित जो इलाके थे गुजरात के, उन दंगा पीड़ित इलाकों में जो भी हुआ, जिसने भी किया हो, ठीक या गलत किया, किसकी गलती, वो सब अलग चीज है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते क्या नरेंद्र मोदी की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो जाके कम से कम दंगा पीड़ित लोगों से मिले? एक दफा भी उन जगहों पर नहीं गए जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए? अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया, सुबह से ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को पूछ रहे हैं। मैं आपको स्पष्टता देना चाहता हूं कि जब दंगा हुआ तब आइदर और साइड के दंगा पीड़ित कैंप में थे। मोदी जी ने 8 मुस्लिम कैंपों का विजिट किया था और 7 हिंदू कैंपों का विजिट किया था। उस वक्त वो राहत शिविरों में जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे सबको मिले थे। 3-3 घंटों का विजिट है, इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है, मगर एक अपप्रचार चलाया जाता है कि मोदी ने माइनॉरिटी दंगा पीड़ितों से मुलाकात नहीं की। और मैं जो कह रहता हूं राहुल जी, ये रिकॉर्ड की बात है, कोर्ट के सामने है, आरटीआई भी आप डाल सकते हैं इसमें, तो आरटीआई की भी जरूरत नहीं, मुझे एक फोन कर दीजिएगा, मैं ही दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। और इसमें चीफ मिनिस्टर की लॉक बुक से लेकर उनके सिक्योरिटी पर्सनल की लॉक बुक से लेकर वहां क्या क्या हुआ उसकी मिनिस्ट तक सब चीजें उपलब्ध। और उनके ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर गुलबर्ग कांड घट रहा है। पर जयराम साहब, क्या कह रहे हैं आप? 2000 नहीं, आपके पास आप आइवरी टावर में जीते हैं। नरेंद्र मोदी की ऑफिस से कम 30 किलोमीटर दूर गुलमर्ग है, जहाँ वहाँ कैंप था, वहाँ से 3 किलोमीटर कैंप तो बाद में बने, कैंप तो बाद में बने भैया, जयराम दंगे के बाद कैंप, जहाँ मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गुलबर्ग कांड घट रहा है भैया। मुख्यमंत्री को नहीं, आप वो जाके देखें। और ये एक पूर्व सांसद थे, उनको जलाया गया। आप सच नहीं बोल रहे हैं? क्या बात, आप सच नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री की ऑफिस से गुलमर्ग 30 किलोमीटर दूर है। कैंप ऑफिस अभी जी मैं कह रहा हूँ, कैंप ऑफिस नहीं था मुख्यमंत्री का, कोई अपने घर से संचालन, रिव्यू मीटिंग हो रही, कोई कैंप ऑफिस नहीं था। पर जयराम साहब, 2002 पे तो आप इतने सवाल खड़े करते हैं, इतने आग बबूला हो जाते हैं। राहुल गांधी ने हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 84 के दंगों में कुछ कांग्रेसी जिम्मेदार थे, कुछ कांग्रेसी इन्वॉल्व थे।
मुझे बता दीजिए कौन सा कांग्रेसी अब तक पनिश हुआ है 84 के दंगे में मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड पे, तो आप तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्या वही सवाल आप पे नहीं लागू होते? बिल्कुल लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है। 84 के दंगे को कोई समर्थन नहीं कर सकता, वो नरसंहार था और इसमें कोई किंतु परंतु के कहने की कोई अब तक कोई दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? सुनिए ना, एक बात सुनिए। हाँ बताइए। एक बात सुनिए, इंदिरा जी को कहा गया था आप अपने सुरक्षा बलों को बदलाव कीजिए, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बदलिए। ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं बदला, पर ये सवाल का जवाब, ये विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं। 2002 के दंगों का विचारधारा एक द्वेष और घृणा का विचारधारा था, जो 84 में हुआ वो गलत था, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, वो नरसंहार है और जो दोषी हैं खुद राजीव गांधी जी ने। एक सेकंड आप मुझे सुन लीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी विचारधारा को, मेरी विचारधारा नरसंहार नहीं था। नहीं 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 नहीं, मेरी विचारधारा को गाली देने से पहले आप समझ लीजिए, खुद राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। बड़ा पेड़ मतलब इंदिरा जी और धरती मतलब बेचारे सिख। नहीं नहीं देखिए, मैंने आपने सवाल मुझे उठाया 84 के बाद, 84 आपने जिसका जवाब नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ, मैंने कहा कि कोई अगर कांग्रेसी राहुल गांधी खुद मानता है कैमरे पे बिल्कुल कांग्रेसी इन्वॉल्व थे, अब तक एक कांग्रेसी दोषी नहीं पाया गया। अध्यक्ष ने भी गोल्डन टेम्पल में 7-8 साल पहले माफी भी मांगी थी, हमारे प्रधानमंत्री माफी और इंसाफ में फर्क है। नहीं नहीं, एक माफी मांगना पहले, उसके बाद इंसाफ दिलवाना दूसरा चरण। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों कांग्रेसियों को जो दोषी ठहराए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, वो सही सवाल है और राहुल गांधी जी ने खुद स्वीकारा है। देश का वही कानून है जो कहता है मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई, सजा कहाँ होती है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ये वही बात हो गई कि आपका दंगा मेरे दंगा खराब कैसे? नहीं ऐसा नहीं है। माया कुंडानी किस सरकार की मंत्री थी, किस सरकार के मंत्री थी? तो उनको सजा हुई है, अरे बाप, गुजरात में ही हुई है सजा, माया कुंडानी को और किस गुजरात में ही सजा हुई, किसके प्रोत्साहन से उनको मंत्री के वो भी कोर्ट में सिद्ध करना होगा। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर कौन सी पार्टी के हुए? सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और किशन लाल भगत किसके प्रोत्साहन से काम कर रहे थे? जगदीश टाइटलर किसके प्रोत्साहन से? कोई भी, मैं नाम नहीं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। आपने माया कुंडानी का नाम लिया, कोई भी हरकिशन जी भगत राज तो नहीं रहे हैं, पर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर आज भी राजनीति में हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ साबित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम क्यों हंसते? मोदी भी तो वही कहते हैं कि कुछ साबित हो जाए मेरे खिलाफ कार्रवाई। मोदी ने कभी 2002 के लिए माफी मांगी क्यों नहीं मांगी? अमित शाह सर कभी माफी मांगी है? देखिए इस पर कई बार स्पष्टता हो चुकी है, बार बार सवाल बिना वजह उठाया जा रहा है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है और मेरी पार्टी का यही मत है कि अगर अपराध किया है तो माफी इसका परिमार्जन नहीं है, सीआरपीसी के हिसाब से सजा होनी चाहिए। नहीं पर फर्क है, सुन लीजिए मुझे अगर अपराध हुआ है तो माफी इसका परिमार्जन नहीं है, सीआरपीसी के हिसाब से सजा होनी चाहिए। अपराध अगर इसी बात को ले दंगे हुए राजीव गांधी के समय पर, ये बेचारे उस वक्त मनमोहन सिंह जी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी पद पर काम करते थे, अब जाकर उनको पकड़वा कर माफी मंगा दी, इस माफी का कोई मतलब है क्या? माफी का कोई मतलब है? मनमोहन राजीव गांधी जी तो गए ऊपर, गलत है। सुनिए ना, सोनिया गांधी है, अमित जी सुनिए, सोनिया जी यहाँ पर है। मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी सदन में, लोकसभा में 2005 में। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? वो तो बेचारा फाइनेंस सेक्रेटरी था। 1999 में सोनिया राहुल जी, मुझे आपका राहुल जी मेरा एक निवेदन है तैयार नहीं है कि आप यूपीए कार्यकाल के परफॉर्मेंस पर प्लीज डिस्कशन को ले आइए। मैं चाहता हूँ जीडीपी गुजरात नहीं नहीं गपले हमारे महंगाई भ्रष्टाचार सांप्रदायिक भूल जाइए, पोलराइजेशन भूल जाइए, मुजफ्फरनगर भूल जाइए। पोलराइज मैं नहीं करा, आज भी डिबेट को आपने पोलराइज किया है, मैंने नहीं करा है, आपने ही पोलराइज किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चुनाव पोलराइज हो, कांग्रेस पार्टी हम नहीं चाहते चुनाव पोलराइज हो। कांग्रेस पार्टी और अगर मैं कह देता हूँ कि चुनाव आप पोलराइज करना चाहते हैं तो भी हारेंगे जी, और चुनाव अगर मुद्दों पे जाता है तो भी आप हारेंगे, आपका हारना तय है, देश में परिवर्तन तय कर लिया। अमित शाह साहब मैं भविष्यवाणी में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ,
पर ये बात मैं भविष्यवाणी नहीं करता भैया, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कोई फाइव स्टार एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लोगों के बीच में काम करता हूँ और जनता की भावना को जानता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने सवाल उठाया है, आप कह रहे हैं कि हम पोलराइज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा आपको दिख तो रहा है? चेहरा इनका असली चेहरा भाई फेक, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। जयराम भाई, जयराम जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पर तो आरोप भी लगे, कोर्ट में से उसका जजमेंट भी लेकर आए, मगर मेरा ये कहना है कि जनता की अदालत ने आप पे जो आरोप लगाए हैं उसका तो आप डिस्कशन ही करना नहीं चाहते। क्यों भाग रहे चर्चा से? मैरिट की चर्चा से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही? क्यों महंगाई की बात नहीं करती? क्यों दामों की बढ़ोतरी की बात नहीं करती? क्यों कर रहे हैं? विकास दर की बात नहीं हो रही है? आपके सवालों क्यों भ्रष्टाचार की बात नहीं रही? ये बात सही नहीं, आप बार बार नरेंद्र मोदी के अमित शाह के चरित्र पर सवाल खींच रहे हैं। जो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस है क्या उसका लेखा जो कर मायने नहीं रखता? बिल्कुल, जो घोटाले हुए उस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए चर्चा करने के लिए। पर आपने चर्चा तो की नहीं, 45 मिनट आपने एक और बार हमें बुलाइए, नहीं तो हमने आपको उसी पर हम बात करेंगे, जीडीपी पर बात करेंगे, इन्फ्लेशन पर बात करेंगे। तो अब की बार क्यों नहीं किया आपने? अभी वक्त हो गया है, आपको कुछ सवाल अभी मुझे निकलना नहीं हुआ। जयराम जी, ये सेशन खत्म नहीं हो सकता। देश की जनता चाहती है कि सवाल नहीं, सवाल नहीं एक्सेप्ट कर लीजिए, इसका जवाब नहीं है।